नमो यंता नमो सत्यानं नमो आर्यानं नमो ज्ञानं नमो लोये समसामयं सत्यं कः सर्व पापनाशनं ग्लानिशं प्रणमामि। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। समय साराय स्वामी भूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरिक्षे। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम श्री शुद्धात्माने। तो आज का दिन मार्दव अंक का है। कल का हमारा अंक था क्षमा था। तो मार्दव अंक में क्या आता है तो वो हम देखते हैं भी आगे। मंगलाचरण लिख दे एक साथ पहले। विल सिंग द मंगलाचरण टुगेदर। जो क्रोध मद माया अपावन लोभ रूप विभाव है, उनके अभाव स्वभाव मय उत्तम क्षमादि स्वभाव है। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय। निज धर्म शेष अधर्म है, निज आत्म में संयम रमन तप त्याग। निज रमन परिग्रह त्याग है। निज रमन ताकि ब्रह्मचर्य है। निज रमणता दश धर्म है। निज जानना पहचानना रमना धर्म का मर्म है। अरहंत है दश धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उजाय है, मुनि राज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रम, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। तो ये दस धर्म की बात कल जैसे हमने बोला था कि दस धर्म कोई धर्म नहीं है, मगर आत्मा एक आत्मा अखंड आत्मा है। उसको कौन से एंगल से आप देखते हो तो उसका नाम आप दे सकते हैं। क्रोध के एंगल से देखो तो उसको क्षमा का नाम देंगे, और मान के एंगल से देखो तो उसको नाम मार्दव नाम देंगे। तो इस तरह से कोई दस धर्म नहीं है, कोई 1 2 3 4 5 6 ऐसे, मगर एक अखंड रूप से है और उसके अलग अलग रूप देखते हैं। जैसे कल हमने बोला था कि दिलीप भाई फादर भी है, फादर इन लॉ भी है, हस्बैंड भी है, तो किसी के सन भी है। तो फादर की अपेक्षा से सन, सन की अपेक्षा से फादर, डॉटर इन लॉ की अपेक्षा से फादर इन लॉ, पत्नी की अपेक्षा से पत्नी। तो ये कोई पांच आदमी नहीं हो गए, आदमी तो एक है, मगर कौन से एंगल से उनको देखते हैं इसको हम धर्म कहते हैं। तो आज हम देखेंगे मार्दव धर्म की बात करते हैं। ये दस धर्म के नाम है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्ज, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। तो ये कल हमने देख लिया था, तो अभी आगे बढ़ते हैं। आज मार्दव धर्म की बात कर रहे हैं। Yeah, it's working today. Yeah. There are people online. Yeah. Rag, 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 rag. Uttam Kshama. हाँ, तो उत्तम मार्ग में श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है कि
मान न होता तो मोक्ष यहां पर ही है, मान न होता तो मोक्ष यहां। तो उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? ऐसे तो चार कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ। उन्होंने मान की बात क्यों बताई? चारों चार चार गति में, चारों चार कषाय में से एक की प्रधानता होती है कि नरक गति में क्रोध की प्रधानता होती है। सभी होते हैं मगर क्रोध की प्रधानता है। तीर्यंत गति में माया की प्रधानता होती है। देव गति में लोभ की, परिग्रह की प्रधानता होती है। और हमारे मनुष्य में मान की प्रधानता होती है। यानी कि सभी तरह के कषाय मेरे में है मगर मान कषाय सबसे बड़ा है। क्योंकि क्रोध, क्रोध उन्होंने बोला कि क्रोध तो बेचारा बहुत इनोसेंट है। क्यों? कि जब आता है किसी को भी दिखाई देता है, वो छुपा नहीं सकता है, तो वो इनोसेंट बता दिया उसको। मगर मान है वो अंदर छुप के बैठा है, कोई मेरी बात करे तो एकदम मेरे कान खड़े हो जाएंगे, करे मेरी क्या बात हो रही है। वो कोई मेरी बात अच्छी तरह से करते हैं तो मुझे सुनना अच्छा लगता है। तो ये मान की बात है, मान हमको अच्छा लगता है। क्रोध हमको अच्छा नहीं लगता, मान अच्छा लगता है। और मान अंदर छिपा रहता होता है, इसलिए श्रीमद् राजचंद्र ने बोला कि जो मान न होता मेरे में, ह्यूमन में, अपने में, तो कषाय की निवृत्ति होती। कषाय की निवृत्ति होती तो सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होता तो आगे बढ़ते क्या होगा? मोक्ष अल्टीमेटली मिलेगा। तो मान न होता तो मोक्ष यहाँ पर ही होता, इस तरह से उन्होंने बताया था। अभी मान के अंदर मान को मद के साथ लगाया है। मान बोलो या मद बोलो, तो मद के आठ प्रकार बताए हैं, मान के आठ प्रकार बताए हैं। तो कौन से मान कौन सा था? जाति का मान होता है। जाति यानी कि मेरी पैटर्नल पेडिग्री कैसा है, मेरे पिताजी कैसे थे, मेरे दादाजी कैसे थे, वो तो बड़े थे, वो पॉलिटिक्स में थे, सब उनको जानते, इस तरह से अभिमान करना, जाति का अभिमान करना। बाद में आएगा कुल का अभिमान करना, यानी कि मैटरनल पेडिग्री पर अभिमान करना कि मेरी, मेरे मामा जी ऐसे हैं, मेरे नाना जी ऐसे हैं, इस तरह से जो अभिमान करना वो कुल मत बोला है उसको। बाद में आएगा ज्ञान मत, मुझे ज्ञान का क्षयोपशम है, ज्ञान का क्षयोपशम है तो मुझे उसका मुझे मान कषाय आ जाएगा। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये अच्छी तरह से नहीं जानता है, ये बुद्धू है, मैं कितना जानता हूँ, तो ये सब जो ज्ञान के क्षयोपशम से जो होता है उसको मान कषाय कहते हैं। मान को क्या, ज्ञान को क्या बोला है? ज्ञान को ज्ञान का क्षयोपशम, यानी कि जानकारी, बस जानकारी। तो जानकारी से कुछ नहीं होने वाला है, जानकारी जरूरी है, जानना जरूरी है, हमको सब जानना पड़ेगा आत्मा का स्वरूप क्या। मगर स्वरूप जान लिया, बस जान लिया, जानने से कुछ नहीं होगा। मुझे गुलाब जामुन खाना है, ऐसा मैं सुबह से रटन करता रहूं तो मेरे पेट में कोई गुलाब जामुन नहीं आएंगे। कब होगा? जब मैं उसको अक्वायर करके खाने लगूंगा तभी वो जरूरी है। हाँ, उसका ज्ञान जरूरी है कि भाई कहाँ से मुझे मिलेगा, वो किस तरह से होते हैं, कितने उसके प्राइस कितनी होती है, कहाँ पर बाजार में से मिलेगा, वो सब जरूरी है, वो ज्ञान जरूरी है। मगर बाद में वो ज्ञान को प्रैक्टिकलिटी में लाके उसका बाजार में से खरीद कर जब मैंने खाया तभी वो ज्ञान सच्चा कहा गया। इस तरह से आत्मा की बात हमने सब ने बोल दी, आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा क्या, ये सब बोल दिया। मगर आत्मा क्या है इतना जानकर मैंने आत्मा की अनुभूति नहीं करी है तो कोई ज्ञान का इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसे तो बोला है कि ज्ञान होने से तू नवमी ग्रेवेक तक जा सकता है, अभवी जीव भी नौमी ग्रेवेक तक ज्ञान लेके जा सकता है। 11 अंग और 9 पूर्व का भी ज्ञान हो सकता है।
ग्यारह अंग नौ पूर्व का, यानी कि एक अंग आचरण पहला अंग है, इसमें 18,000 पद है और एक एक पद में 51 करोड़ से ज्यादा श्लोक है, ऐसा पहला आचार अंग 18,000 पद का। उससे दूसरा जो आएगा वो 36,000 का होगा, तीसरा होगा 72,000 पद का और एक एक में 51 लाख करोड़ से ज्यादा श्लोक आएंगे। इस तरह से ऐसे 11 अंक का ज्ञान होना, ज्ञान के साथ मान, हाँ मान की मान भी बाद में मान आ जाएगा, मगर 11 अंक का ज्ञान होना तो भी वो जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो मुझे क्या थोड़ा सा आ गया, भक्तामर का मुखपाठ हो गया और समय सर की कुछ गाथा है मुखपाठ, तो मैं अभिमान करता हूँ कि मैं कितना जानता हूँ, मैं सबसे ज्यादा जानने लगता हूँ, कोई किसी को कुछ आता नहीं है, ऐसे ऐसा कोई अभिमान करने की जरूरत नहीं। तू ज्ञान के साथ तूने अनुभूति किया तो तेरा जरूरी है, नहीं तो ज्ञान का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। तो रूप का मत, मैं रूपवान हूं ऐसा करके मान करना, या तो मैं कुरूपी हूं ऐसा मान के डिजेक्शन करना, तो वो भी एक मान कषाय का अंग हो जाएगा रूप। बाद में आएगा पूजा, मैं पूजा अच्छी तरह से कर सकता हूं, अच्छी तरह करा सकता हूं, मुझे पूजा में पूजा के राग बहुत अच्छी तरह से, वो ऐसा ऐसा मानकर पूजा करके जो उसका मान कसाई करना, तो मैंने पाप किया, पुण्य नहीं किया, पूजा तो की मैंने पूजा में भाव अच्छे नहीं रखे, मगर कौन कैसा बोलता है, अरे मैं जब गाता हूं तो ये अच्छा नहीं गाता है, ये तो क्या है, पूजा तो अपने भाव से करने की है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आराम से कोने में बैठकर भी आप पूजा कर सकते हो, मगर पूजा का अभिमान करने की जरूरत नहीं है। तो ये पूजा का मद आया। बाद में आया बल, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग हूं, वो कैसियस क्ले जो मोहम्मद अली हो गया था, क्या बोला था उन्होंने, क्या बोला था, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट, क्या हो गया उसके बाद में, he got a Parkinson and he had a miserable death in Phoenix, I think couple of months back, 2-3 months back. Greatest of the great, इतना बल था उसका, इतना बल था, क्या हो गया, अल्टीमेटली तो मरना ही पड़ेगा, वो व्हील चेयर में रहता था, बोल नहीं सकता था, हिल नहीं सकता था, दोनों पिक्चर अभी मृत्यु के पहले का और ओरिजिनल, या तो ये बल का भी मत करने की जरूरत नहीं है। रुद्धि मत, मेरे पास पैसे बहुत है, पैसे का अभिमान करना नहीं है, तो क्या है, पैसा होना, रुद्धि होना पाप नहीं है, क्यों रुद्धि क्यों हुई आपको, पूर्व कर्म के उदय से रुद्धि मिली, मगर पहले वो एक जगह पे आज मैं कोई बूट पढ़ रहा था, बोला कि गांव में जो जमींदार होता था तो बोलता था कि मेरे घर से कोई ऊंचा घर होना नहीं चाहिए, अरे किसने रूल बनाया, इतना कितना तो कितना मान करेगा, कितना मान कैसे करेगा, कुछ नहीं होने वाला है, तो उसको रुद्धि ऐश्वर्य होना, वस्तु होना, पैसा होना, संपत्ति होना, वो तो पूर्व कर्म को उदय, मगर उसमें अभिमान करना कि तेरे से ज्यादा मेरे पास है, क्या है तेरे पास, ओके मैं, हम बड़ौदा में थे तो वी आर एवरेज पीपल राइट, तो देयर वाज वन बिग बंगलो देयर एंड इट वाज कॉल्ड कन्हैयालाल मेंशन, तो वो बच्चे बोलते अरे वो कन्हैयालाल साला देखो कितना पैसा लेके बैठा है, मगर उसको डायबिटीज हुआ, He was a big guy. तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें एक्सरसाइज करने का है, तो वो अपनी गाड़ी को, वहां तो ड्राइवर होता है, ड्राइवर को बोला चलो गाड़ी निकालो, चलो तो गाड़ी निकाल के राजमहल रोड पर जाएगा, बाद में बोलेगा मैं आगे चलता हूं तू पीछे पीछे कार चलाना, जैसा मैं थक जाऊं मुझे बिठा दे, अरे ड्राइवर कार चलाता है और सेठ पैदल चलते हैं, तो वो पैसे को क्या करने का, क्या अभिमान करना उसका,
इस तरह से हमको ध्यान में रखने का है कि और तप का मत, मैंने बहुत तप, तूने तप किया था तो तूने अभिमन्य हो गया, कर दिया बस, मगर नहीं मैं ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट हूं, मैं ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। तप के ऊपर अभिमान करके जो कर्म बंधन होते हैं तो तप से जो पुण्य का बंधन हुआ था वो भी निकल जाएगा, पाप में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे अच्छा कि हम तीन दफा खाएंगे। इस तरह से ये आठ प्रकार के मद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मद करने से हमारे कर्म बंधन होते हैं। बाद में बोलते हैं ये निकल जाए, उत्तम जाति कुल ज्ञान आदि मद का त्याग ही मार्दव धर्म है। जो आठ प्रकार के मद हमने बताए वो आठ प्रकार के मद का त्याग करना ही मार्दव धर्म है, वो सच्ची बात है। देखो क्या है, मुझे क्या निकालना है, मुझे मद मान कषाय निकालना है, तो मान कषाय की तरफ देखने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं आपको एक ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं और मैं आपको बोलूं कि ये लाइन को टच किए बिना छोटी कर दो, लाइन इरेज किए बिना लाइन को छोटी करो, कैसे करेंगे आप, कैसे कर गया, सिंपल है। तो दूसरी एक बड़ी लाइन कर दी तो ये ऑटोमेटिक छोटी हो गई ना, तो छोटी को टच करना नहीं पड़ा, मगर उसके सामने दूसरी बड़ी लाइन किया तो ये उसका इंपॉर्टेंस घट गया। इस तरह से जो जो मद है, मान कषाय है, मुझे निकालना है, कैसे निकालू, कैसे निकालू, उसके तरफ देखने की जरूरत नहीं। मुझे क्या देखने का है कि मेरी आत्मा का जो मार्दव धर्म है वो मार्दव धर्म को मैं प्रधानता दे दूं तो ऑटोमेटिक मेरा मान कषाय छोटा होके निकल जाएगा। देखो एक एक कोटरी है, डीप 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 डार्कनेस से पड़ी हुई, अंधेरे से पड़ी हुई कोटरी है। मैंने आपको बोला कि ये अंधेरा दूर कर दो और आप डोल लेके आई, बाल्टी लेके आई और अंधेरे को बाल्टी में लाके फेंकने लगी बाहर, कब निकलेगा वो अंधेरा, नहीं निकलेगा। तो क्या करेगी आप अंधेरे को निकलने के लिए, क्या करेगी, एक उजाला कर दो, एक लाइट कर दो, एक मैच स्टिक से लाइट जलाओ तो अनंत काल का अंधकार का क्या होगा, एक समय में अनंत काल का अंधकार ऐसे ही गायब हो जाएगा। एक दफा अंधकार ने लाइट के प्रकाश के ऊपर लॉसूट लगाया तो जज ने बोला कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, ये हमको छोटा छोटा ड्रामा करना पड़ेगा कभी ना तो बोला कि क्या प्रॉब्लम, बोला कि अरे देखो साहब यू नो ये प्रकाश मुझे हर रोज हैरान करता है, मैं जहां जहां छुप के रहता हूं वहां के मुझे भगा देता है, मेरा एग्जिस्टेंस खत्म कर, मुझे हैरान हैरान करता है, हर रोज हैरान करता है, सदियों से करता आया है। अंधेरे ने ऐसा क्लेम किया तो जज ने वो लाइट को बोला कि भाई क्या ये अंधेरा बोलता है सच है, बोला क्या, तू जो हैरान करता है किसको, ये अंधेरे को, मैं कभी देखा ही नहीं उसको, मैंने देखा नहीं, मैं कभी उसको हैरान करना चाहूं, यू नो। तो इस तरह से हमको देखने का कि जो दोष मेरा निकालना है दोष को रहने दे, ऐसा ही उसके सामने मेरे गुण बढ़ा रहे, गुण बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक दोष ऐसे ही कम होके सेकेंडरी होके गौण होके निकल जाएगा, उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमको देखना, कोई दोष निकालो, दोष निकाल, दोष नहीं निकालना है मुझे, ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, क्रोध ऐसे रहने दो, मैं क्षमा का सच्चा स्वरूप जानू, क्षमा क्या है वो जानू तो मेरे में क्रोध की उत्पत्ति नहीं होगी। इस तरह से पॉजिटिवली हमको लेने का है, बराबर। यह मार्दव धर्म का अंग है, कौन,
उत्तम जाति कुल ज्ञान वो सब जो मद है मेरे, वो उनको निकालने के लिए मार्दव धर्म है, वो मार्दव 10 धर्म का एक अंग है। चार कषाय का नाम हमने क्या बोल दिया, क्रोध मान माया लोभ, बराबर। उसके सामने आत्मा के गुण कौन कौन से हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव और सौज। मुझे सोचना पड़ा, क्यों सोचना पड़ा, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मुझे सोचना क्यों पड़ता, क्योंकि मैंने अनादि से उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। मैं जब ध्यान देता हूं उसकी तरफ, तभी मुझे समझ में पड़ता है कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। इस तरह से हमको देखने का है। तो अभी जो सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से समस्त जगत को स्वप्न और इंद्र जाल की तरह देखते हैं, वो उत्तम मार्ग धर्मों को क्यों न धारे। क्या कहा, सम्यक दर्शन मुझे हुआ है, आत्मा की अनुभूति हुई है, मेरी श्रद्धा आत्मा की तरफ आई हुई है, जब मैं आत्मा की तरफ देखता हूं, आत्मा की अनुभूति करता हूं, अतिंद्रिय आनंद का स्वाद लेता हूं, तो समस्त जगत मुझे स्वप्न जैसा दिखा देता है, पानी का बबल जैसा दिखाई देता है, इंद्रधनुष जैसा दिखाई देता है, वो ट्रांजिएंट दिखाई देता है, वो ट्रांजिएंट। और मैं कौन हूं, अनादि अनंत ध्रुव तत्व हूं, अनादि अनंत ध्रुव तत्व, जैसा मैं था पहले ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा। और जो मेरा सच्चा स्वरूप है उसकी तरफ मैं दृष्टि करूं, तो मेरा जो ट्रांजिएंट स्वरूप है उसका क्या होगा, वो है, होता है, मगर उसका गौण हो जाएगा। गौण हो जाएगा तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, अर्थात वो अवश्य मार्दव धर्म हमको धारण करने की जरूरत है। अभी मार्दव धर्म को क्या है, तो बहुत अच्छी तरह से यहां बताया है कि प्रशंसा मान का कारण है। आज 5 आदमी आके मुझे बोलेंगे, स्वाध्याय अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था, तो मुझे मान कषाय आ जाएगा। तो प्रशंसा मान का कारण है, और निंदा, कोई मेरी निंदा करे तो, अरे मैं इतना करता हूं तो भी मेरी निंदा करता है, तो इस तरह से मैं क्रोध करूंगा। तो निंदा से क्रोध होता है। अनुकूलता में मान आता है, जब मेरे जो मैं कुछ भी जानता हूं, इस तरह से मेरा चलता है, एवरीथिंग गोज राइट वे, तो मुझे मान कसाय आ जाएगा। अरे मेरे जैसा कोई अच्छा, कोई बड़ा आदमी नहीं है, मैंने तो, हम तो वो हम गुजरात में बोलते हैं, वो मारवाड़ी लोग बोलते थे कि कोई नहीं, मारवाड़ी है कोई नहीं, हाँ तू है, बोलते कि दोरी लोटो लेके आए थे और हमने इस तरह अपने अपने अपनी बाहुबल से पैसे कमाए। तो क्या कहूं, तेरे पूर्व कर्म के उदय से तुझे पैसे मिले, बस इतना ही है। अभी तू उसमें तू मान कषाय क्यों करता है, तो अनुकूलता में मान होता है, प्रतिकूलता होती, मुझे ही क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हर रोज होता है, इस तरह से मैं क्रोध करता हूं। तो प्रतिकूलता में क्रोध, अनुकूलता में मान होता है। सफलता हुई, सक्सेसफुल आदमी हूं मैं, तो मान कषाय आ गया। असफलता हुई, कितना मैं काम करता हूं तो भी मेरा कुछ होता नहीं, बस, तो क्रोध आ गया। सफलता से श्रेय अपने सिर पर लेता है, और कार्य में असफलता से परिस्थिति पर श्रेय ढोलता, श्रेय परिस्थिति पर क्रोध करता है। क्यों मेरा ऐसा हुआ, परिस्थिति ऐसी हुई इसलिए मेरा प्रॉब्लम हुआ गया, उसने कराया। मान आत्मा का अहित करने वाला विकार है, मान आत्मा का अहित करने विकार, करने वाला विकार, इस तरह से क्रोध भी आत्मा का अहित करने वाला विकार है। दोनों एक सिक्के की दो बाजू है, एक सिक्के की दो बाजू है कि जहां क्रोध है वहां पर ही मान रहता है। आज मैंने कुछ किया सक्सेसफुल हुआ तो मैं मान कषाय करूंगा, आज मैंने कुछ किया और असफल हुआ तो मैं क्रोध करूंगा। कार्य एक ही है, सफलता असफलता, सफलता मान, असफलता को क्रोध।
मान को कायम रखने की इच्छा करते हैं कि भाई मुझे कायम मान बना रहे, मेरा मान बना रहे। जो कुर्सी पर बैठते हैं, नेता होते हैं, बस वो मानते हैं कि मैं तो सारी जिंदगी ऐसा ही रहने वाला हूं और कल उसकी कोई सीडी बाहर आ जाएगी और परसों वो जेल में बैठ जाएगा। तो मान को, मान कायम रखने की, और क्रोध को नहीं, ऐसा अभी हुआ दिल्ली में, अभी हुआ है वो एक चाय वुमन चाय वेलफेयर वाला कोई मिनिस्टर था। And he, when CD came out that he was involved with the two women, God, whatever, you know, उसको जेल में बिठा दिया। Okay, मान क्रोध को, मान को रखना है मुझे, क्रोध को निकालने की इच्छा है मेरी। मानी मान के निमित्त को रखना चाहता है। दिलीप भाई मेरे, मेरी बहुत प्रशंसा कर, मेरे फ्रेंड, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड, और क्रोध तेरे कारण से मुझे क्रोध आ, तू निकल जाए यहां से। तो वो जो क्रोध, क्रोध के निमित्तों को दूर करना चाहता है। मानी संयोग की इच्छा करता है और क्रोध वियोग की इच्छा करता है। बस मुझे कोने में बैठने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे। और मान होता तो सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, इस तरह से। तो इस तरह से मान कसाय और क्रोध कसाय दोनों एक, दोनों का रूप एक 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 तरफ का ही है। They are the same, exact same thing. तो या तो मान करो या तो क्रोध करो, दोनों का अर्थ एक रहेगा। तो इस तरह से मान कषाय आएगा। ये समन भद्र रचित रत्नकांड सावकाचार का श्लोक 25 का एक गाथा है। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम वृद्धि तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मय मारहुगर स्मय माहुर्गत स्मया। यानी कि जाति, कुल, ज्ञान, रूप, पूजा, बल, वृद्धि, तप, ये 8 वस्तु के आश्रय से जो मान करने में आता है उसको मान रहित भगवान मान करते हैं। भगवान को मान नहीं है, क्यों मान नहीं है भगवान को? भगवान को मान क्यों नहीं है? भगवान कौन से गुण स्थानक पर है? सहयोगी के लिए कौन से गुण स्थानक पर है? 13 पर। और मोनीय कर्म का अंत कब होता है? क्षीण मोह गुण स्थानक 12वां गुण स्थानक है। तो वो वहां पर क्रोध, मान, माया, लोभ, नव, नौ कषाय सभी निकल जाते हैं। इसलिए मान रहित भगवान कहते हैं कि ये सब जाति, कुल, मद, रूप, वो सब है, वो मानी का स्वरूप है। वो मान रहित भगवान कहते हैं कि मान का स्वरूप है। इस तरह से ये मान के, मान की बात है। अभी हम, हमें हमारे जो आज क्या थे, कौन सा ले रहे वो बुक का लेना, 10 तरह की पूजा की है, इसमें से 10 लक्षण की इसमें से लेना। ओके, हाँ, दोनों में अच्छा रहेगा, वो दोनों में कर देंगे। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट कर देता है। मान करण को कौन ठिकाना, पसोरी को गवानी ते आया, तगरी रूकन भाग बिचारा, रूकन बिगाया भाग बश ते देवई कई दिल भया, ओ समुआ चार तो यहाँ ये मान कसाय की बात करता है कि मान महाविश्व रूप करही नीच गति जगत में। ये मान कसाय इतना ऐसा है कि वो मान कसाय को मैं प्रदान करके मैं नीच गति में जाने वाला हूं। कौन सी नीच गति होती है?
नीच गति कौन है, कौन सी है, कितनी गति कितनी है, तो चार में से कौन सी अच्छी गति कौन सी नीच गति, नरक नरक तिर्यंच को नीच गति बताया और मनुष्य देव को अच्छी, देव गति अच्छी है, देव गति अच्छी है, हाँ मनुष्य तो हम है ही अभी, तो नेक्स्ट गति कौन सी लेंगे, देवगति पक्का वहां जाने का। अभी आपने क्या बोला, ज्यादा अच्छी तो फिर क्यों जा रहे देव अच्छी है तो देखो देव गति अच्छी है, अच्छा क्यों अच्छी है, क्योंकि जो चाहिए वो मिलता है बराबर, पानी मांगो दूध मिलता है, जब तो दूध मांगो तो बोला कोलेस्ट्रॉल वाला है तो नहीं नहीं वो स्किम मिल दे दो अभी ना, पानी मांगो दूध मिलता है, इस तरह से फिजिकल फैसिलिटी मिलती है तुझे, तेरे के पास टोयोटा है तो तुझे मर्सिडीज मिल सकती है और टेस्ला मिल सकती है बराबर, तो ये अच्छी गति है बराबर। देखो जो यहां से सम्यक दर्शन जिसने नहीं लिया है और जिसने बहुत से पुण्य कार्य किए और देव गति में गए, कितने साल रहेंगे, मिनिमम 10,000 साल, मैक्सिमम 33 सागरोपम, 33 सागरोपम का जो नाप निकालो तो इतना बड़ा होता है कि इट इज काइंड ऑफ अमेजिंग नंबर ऑफ इयर्स, शॉर्ट में लेते हैं, एक 4 माइल लॉन्ग विड्थ एंड डीप ऐसा गड्ढा खोदो, उसमें तुरंत के जन्मे हुए शिप के सॉफ्ट सिल्की हेयर उसके इतने कट के करो कि जिससे ज्यादा कट न हो सके, ऐसे छोटे छोटे कट करो, इतना भर दो कि उसके ऊपर से राजा का रथ जाए तो भी दबा न जाए, और ये गड्ढे में से हर एक 100 साल पर एक एक हेयर एक बाल का पीस निकालो, कितने साल लगेंगे, कितने साल लगेंगे, कितने लगेंगे, नहीं ये तो अभी एक पल्योपम साल हुआ, एक पल्योपम हुआ, ऐसे पल्योपम के करोड़ यानी कि 1 करोड़ × 1 करोड़ यानी कि 10^14 एक के ऊपर 14 मिंडा लगाओ तो कितना होगा, तो कंप्यूटर वाली है ना, तो क्या होता 14 डिजिट्स का क्या होता, कुछ भी होता, तो इतने पल्योपम साल हो गए तो उसका एक सागरोपम साल होगा, ऐसे 33 सागरोपम तक वहां पर हम रह सकते हैं, बोल तो अच्छा है कि नहीं बराबर, मजे मजा मजा ही, कोई दुख नहीं है, जॉब पर नहीं जाने का है, कुछ नहीं करने का है, अच्छा है ना, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अरे तो कहां जाएगी, नरक में जाएगी, तो देखो क्या है कि अच्छा अच्छी बात है ये सब अच्छी बात, मगर जब देव आयु का अंत अंत होता है तो मेजोरिटी ऑफ द देव कहां जाते हैं, नहीं एकेंद्रीय जीव पृथ्वी काय जीव में जाते हैं, पत्थर बनते हैं, क्योंकि हाँ क्योंकि उसको रत्न में इंटरेस्ट है, जब पार्टी में जाती तू क्या करती है, देखती है ना कि किसका हार कैसा है, या तो मेरा तो इतना बड़ा है कि किसी के देखने की जरूरत ही नहीं है बराबर, तो ये वहां पर रत्नों की एक दूसरे के रत्नों में इंटरेस्ट है, तो इसलिए वो जीव जाएगा पृथ्वी का के एकेंद्रीय के जीव में जाएगा, तो क्या मैं 33 सागरोपम का मजा लेके पृथ्वी काय के जीव में अनंत काल तक बैठ जाऊं, तो क्या करना, बोलो वहां जाना कि नहीं जाना, नरक में भी दुख दुख है, तिर्यंच पे तो दुख दिखाई देता है, तो अभी क्या करना क्या था मुझे, और मनुष्य में तो फॉर एवर तो नहीं रह सकते हैं, तो करना क्या मुझे,
तो मोक्ष के लिए क्या करना? Probably you were a school teacher before, that's why I think. नहीं, मुझे आत्मा की अनुभूति करना है. जो मैं आत्मा की अनुभूति करूं, सच्ची मेरा सच्चा आत्मा का स्वरूप जानू, आत्मा की अनुभूति करूं, तो सम्यक दर्शन के साथ में देह लोक में जाऊंगा, नो प्रॉब्लम. वहां से जब मनुष्य जन्म लेके मैं करीबन मोक्ष जा सकता हूं, प्रॉबेबली 1, 3, 5, 15 भव के बाद में तो जरूर मोक्ष मिलता है. तो क्या ये सच्ची बात, ये अच्छा अच्छा रास्ता नहीं है? तो क्यों मुझे क्या करने का है? देखो, गति गति में क्या, हमने 4 गति बोला ना, और 5 में मोक्ष गति. एक्चुअली तो 2 ही गति है. कौन सी 2 गति बोलो? 2 ही गति है. बोल, तुझे मान नहीं, प्रोबेबली बट थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट बेटर, यू आर ऑलमोस्ट देयर. संसार में ज्यादा का ज्यादा टाइम कहाँ रहने का, कर रहने का होता है? तिर्यंश में कौन सी गति, तिर्यंश में कौन सा जीव? निगोद. देखो, निगोद का जीव, निगोद की गति और मोक्ष की गति, ये 2 ही गति है. कितनी गति है? 2 ही गति है. या तो अनंत अनादि अनंत 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 काल तक मैं निगोद में रहता हूं, या तो मैं अनंत काल तक मोक्ष में रहने वाला हूं. बीच में मुझे 2000 सागर का टाइम मिलता है, जो सागरोपम बोला ना, 2000 सागरोपम ऐसा टाइम मिलता है मुझे. तो सिमिलरिटी के लिए सोचे तो एक पैसिफिक ओशन ले लो, अटलांटिक ओशन ले लो, और आप पनामा में खड़ी है, दोनों और 2 ओशन खड़े हैं, 2 ओशन है. अभी एक बिंदु पानी ले लो, कितना लेना पानी? एक बिंदु का पानी. तो एक बिंदु का पानी को 2000 सागरोपम का टाइम लगाओ प्रोपोर्शनल, और 2000 सागरोपम के टाइम में मुझे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय की लाइफ मिलती है. ये 2000 सागरोपम के टाइम, जो बिंदु जैसा टाइम है, उसमें मुझे 48 टाइम्स मनुष्य का जन्म मिलता है. उसमें से 24 टाइम्स मनुष्य तो गर्भ में आके वो जीव निकल जाता है. तो इफेक्टिवली मेरे पास 24 लाइफ है. ये 24 लाइफ में 8 पुरुष, 8 स्त्री, 8 नपुंसकलिंग, ऐसे 24 लाइफ मिलेगी मुझे. जो ये 2000 सागर में, 2000 सागर के टाइम में करीबन ये मेरा लास्ट लाइफ होगा ह्यूमन का, 24th होगा फॉर एग्जांपल. तो उसके बाद मुझे आत्मा की अनुभूति करने का टाइम इतना सरल से नहीं मिलने वाला है. यहां अच्छा एकदम सरल से मिलता तो यहां मिलता. तो ये एक बिंदु जैसा पानी, बिंदु जितना पानी, उसको 2000 सागर के अंदर कन्वर्ट किया. ये 2000 सागर के टाइम के 24 मनुष्य जन्म में मैंने जो सम्यक दर्शन नहीं लिया, तो मैं पैसिफिक ओशन के पानी के वर्षों तक मैं निगोद में रहने वाला हूं. कितना हुआ साल? ये 2000 सागर का टाइम जो बताया, सागरोपम का टाइम, तो वो एक बिंदु जितना हुआ, तो वो टाइम कितना होगा निगोद का टाइम? अच्छा, मैंने आत्मा की यहां अनुभूति कर दी, तो 1, 3, 5, 15 भो में मुझे मोक्ष मिलने वाला है. वो अनंत 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 काल तक रहने वाला है. एक बिंदु जैसा 2000 सागरोपम का टाइम, इसमें मनुष्य भव, इसमें आत्मा की अनुभूति, तो अनंत काल तक अटलांटिक ओशन जैसा
औसत जैसा मुझे टाइम मिल गया, या तो नहीं करा तो मैं निगोद में जाने वाला हूं, चॉइस मेरी है क्या करना, अभी कहां जाए, ये मेरा पियर है, पियर बोलते ना हिंदी में क्या बोलते हैं, या ये पियर है और ये मेरा अंतिम 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 जगह है, कहां जाओगे। ये दो ही चॉइस दिया आचार्य भगवान ने कि तेरी चॉइस तेरे हाथ में है, तू अपना कार्य कर तो तेरा अच्छा हो सकता है, तू नहीं कर तेरा नहीं कार्य नहीं होगा, बस इतना ही है। तुझे आचार्य भगवान कोई तू हमको फोर्स नहीं करते कि तूने ये करना ही पड़ेगा, दस लक्षण में मंदिर में आना ही किसने, कोई ने नहीं बोला, जो आए वो आए, नहीं आए वो नहीं आए, जो नहीं आए वो जो नहीं आ सकते हैं वो वीडियो पर भी देख, मगर मेरी अपनी आत्मा की प्रगति मुझे करना है, मेरे हाथ में ट्रिगर है, या तो मैं निगोद में जाऊं या तो मैं मोक्ष में जाऊं, ये मेरी जवाबदारी है, किसी के ऊपर ब्लेम करने की जरूरत नहीं। इससे इजी लाइफ कौन दे सकता है। आचार्य भगवान ने बोला कि तू तेरे कारण से तू निगोद में जा सकता है, अनंत दुख का स्वामी बन सकता है, या तो तू मोक्ष में जाता है अनंत सुख का स्वामी बन सकता है, प्रॉब्लम तेरा है। मैंने तो बता दिया, ऐसे कर महावीर ने निर्वाण करके सिद्ध शिला पर पहुंच गए। 24 भाव है वो एडवर्टाइज में आता है ना कि सेल एंड्स फ्राइडे, टाइम इज रनिंग आउट, 24 भाव है, उसमें से भी 8 तो नपुंसक के उसमें कुछ होने वाला है। तो ये इतना ही हमको समझने का, देख इतना सरल बना दिया आचार्य भगवान ने, देख वो मेरा प्रॉब्लम है, मुझे नहीं करना है मेरा प्रॉब्लम, मुझे राग करना है, द्वेष करना है, क्रोध करना है, मान करना है, माया करना है, वो ये सब कुछ करने के बाद में थोड़ी सी छोटी 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 गति लेके निगोद में वो अल्टीमेटली जाऊंगा, ये मेरा प्रॉब्लम है। वो 33 साल 2000 सागर के टाइम में 33 सागरों का टाइम कितना छोटा हो गया, वो देव में मिलता है वो कितना छोटा हो गया। तो वो मुझे यो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति के लिए मुझे क्या करना, आचार्य प्रभु मुझे बताओ, बस इतना ही करने का है, तो वो लेने का है, ये लेना है आज का नहीं। इसका अर्थ करें क्या अपन इसमें से? ओके या मान महाविश्व रूप कर ही नीच गति जगत में, तो ये देव गति का तो भी मैं एकेंद्रीय जीव में जाने वाला, ऐसा नहीं कि एकेंद्रीय जीव में ही, मैं ज्यादातर वो एकेंद्रीय जीव में जाते हैं। और कोमल सुधा अनुप सुख पावे प्राणी सदा, तू अपने में जो तेरा स्वभाव कोमल बनाएगी, अपने में अपने स्वभाव भाव में जाने का प्रयत्न करेंगे तो मुझे आनंद अंदर से आने वाला है। देखो आनंद अंदर है, आनंद कार में नहीं है, आनंद घर में नहीं है, आनंद बच्चे को A+ लेके आ उसमें आनंद नहीं है, आनंद खाने में नहीं है, पीने में नहीं है, कपड़े में नहीं है, डायमंड्स में नहीं, आनंद कहाँ पर है? तो आनंद अंदर है, अपने में है। वो बुढ़िया वो एक दिन अपनी झोपड़ी के बाहर में कुछ ढूंढ रही थी, तो बच्चा आया, बोले कि ग्रांडमा क्या होता है, बोला कि मेरी सुई खो गई है, तो बोला अच्छा अच्छा चलो हम भी मदद करते हैं। तो एवरीबडी ट्राई टू लुक फॉर इट, आफ्टर हाफ एन आवर एक बच्चे ने बोला कि ग्रांडमा यहाँ तो दिखाई नहीं देते, मुझे आपने कहां पर गिर गई, बोला गिर गई तो झोपड़ी में, तो यहाँ बाहर क्या कर रही है, बोला कि वहां पर अंधेरा है ना, यहाँ तो उजाला है। इस तरह से हम भी आनंद अंदर है और खोजने के लिए जाते हैं बाहर पर, तो मुझे क्या मिलने वाला है। तो इस तरह से हमको ख्याल करने का है कि मुझे अपनी आनंद अंदर से लेने का है, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रायचंद जी के हिसाब से जो कोमल स्वभाव पाया तो मोक्ष सुख यही है, यहाँ पर
श्रीमद राजचंद्र ने बोला कि मोक्ष कयो निज शुद्धता, तेरी आत्मा की अनुभूति हुई उसका नाम मोक्ष है। अल्टीमेटली मोक्ष का, मोक्ष वाला जीव कहां जाता है, कहां रहता है मोक्ष वाला जीव? ऊपर, बराबर, नीचे तो नहीं जाता है ना, सिद्ध शिला। तो कभी आप गई है सिद्ध शिला पर? नहीं गई है। तू गई है? तू ये गंजी यहाँ जा क्या है, ये जा क्या है, अरे ये कहां से आ गए यहाँ, तो क्या कहा यहाँ क्या करता है तुम? ये ऐसा, ये ऐसा कृष्ण भगवान जैसा लगता है कि भाई यू नो वो यहाँ पर बहुत पाप का पाप हो रहा है, तो मैं अभी जाके पाप का नाश करके वापिस ऊपर जाऊंगा। तू गई है कभी? तू भाई तू गया नहीं गया? क्या पता, आज स्टॉक मार्केट में क्या हुआ था? स्टॉक मार्केट आज ऊपर गई कि नीचे गई? नीचे, वो मालूम है, मगर मैं वहां गया था कि नहीं वो मालूम नहीं। तू गया है सिद्ध शिला पर कभी? सिद्ध शिला पर तू गया है कभी? वो क्या है सिद्ध शिला? क्या है सिद्ध भगवान का जहां रहता है वहां पर ऊपर ऊपर। आपके दोस्त नहीं थे सिद्ध भगवान? तेरा ट्रेन है जो वो गया था तो मैं भी गया होगा। देखो सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान होते हैं, मगर अकेले सिद्ध भगवान नहीं होते हैं, वहां पर निगोदिया जीव भी होते हैं। और मैं कहां से आया? मैं कहां से आया? निगोद से आया ना, और मैं निगोद से आया, फिर मैं निगोद में गया, फिर से बाहर निकला, फिर से गया। कितनी दफा निगोद में गया? अनंत बार निगोद में मैं गया, और इसके अनंत बार जाने के टाइम पर ये कितनी बार मैं सिद्ध शिला पर भी जाके आया हूं। सिद्ध शिला पर जाना कोई मजे की बात नहीं है, मगर अपनी आत्मा की अनुभूति करना उसका नाम मोक्ष है। वो मोक्ष ऊपर वाला तो बाद में मिलेगा। देखो अमेरिका धनाढ्य देश है, तो कोई गरीब नहीं रहता यहाँ पर। 19th Avenue और वो फ्रीवे पर जाओ, हाँ तो they are always standing, you know, तो वहां पर, यहाँ पर धनाढ्य देश में भी गरीब नहीं रहते हैं, तो वहां पर भी सिद्ध शिला पर सिद्ध भी रहते हैं और निगोद वाले जीव भी रहते हैं। तो अभी तो ये तो जाके आया, अभी सब गए थे कि नहीं? तू गई अभी नहीं कि नहीं गई? तो अभी भी नहीं जाके आई, तो अनंत बार जाके, एक बार नहीं अनंत बार हम जाके वहां पर आए। ओके, नरक में गए कि नहीं गए? तो सिद्ध शिला पे भी नरक में। देखो नरक की बात है ना, तो ये एक, एक, एक बहुत अच्छा पॉइंट है। जितनी दफा मैं नरक में गया, उससे असंख्यात बार मैं स्वर्ग में गया। यानी कि एक दफा मैं नरक में गया तो असंख्य यानी कि 10^49 एंड बियॉन्ड। हाँ तो नरक में जितनी बार नरक में, उससे ज्यादा मैं स्वर्ग में गया हूं, तो जो वहां पर जाना कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ हाँ, बस गए तो नहीं, क्यों बस चक्कर लगा के आए ही ना, फॉरेन ट्रिप करके आ गए वापिस। तो बाद में बोलो क्या आता है? उत्तम मार्दव गुण मन माना, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान कर्म को कौन ठिकाना। जो मार्दव धर्म मैंने अंदर रखा है, मार्दव धर्म को प्रधानता दी है, तो ऑटोमेटिक जब सूरज निकलता है अंधेरा भाग जाता है, मार्दव आता है तो मान कषाय ऐसे भाग जाता है।
तो मान कषाय को रहने की जगह नहीं रहती है मेरे में। बाद में आया बस्यो निगोद माही तो ते आया दरम दरम दमरी द्रोकन भाग जीता है, उसका आपको अर्थ करना पड़ेगा। नहीं अच्छा बस्यो निगोद माही वो ये है नहीं। हाँ हाँ ये मरुदेवी माता की बात आती है। आई थिंक मरुदेवी माता का जीव निगोद में से निकल के मेंढक के रूप में हुआ और मेंढक के रूप में आई थिंक नहीं ये तो ये कि जो देवगति से जो है ना नहीं नहीं दमरी रुकन दमरी बस्यो निगोद माही ते आया दमरी रुकन भाग बिकाया। ओके निगोद में से आए और निगोद में देव बन के फिर निगोद में जाते हो क्योंकि आप वहां देखते हैं जो देवगति से निगोद में अच्छा, रहते हैं। रुकन बिताया भाग बसते देव एक इंद्रिय भाग और उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया जो उत्तम गति वाले के कहानी है। तो ये उसकी कहानियां का बात है ये क्योंकि यानी कि जिसने जिन्हें मद किया था उसको अल्टीमेटली ही हैज टू पे द प्राइस। जैसे जैसे किसी ने मान कसाय किया तो मान कसाय का फल उसको मिलने वाला है, नीच गति मिलने वाली है। तो उसकी बात यहाँ पर आते हैं जीतव्य जोवन धन गुमान कहा करे जल बुदबुदा। जो आम द मोस्ट आई मीन समबडी सेज आम द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन I mean, if you go on the internet sometime, they say, look at yesteryear's people, famous people. And when you see their faces now, when they were young, and when you see now, you can just say, my God, is this the right thing? I mean, I just saw one picture. I said, I don't want to see that again. I mean, that picture again. Saira Banu's original picture they are showing when we were young, when we were growing up, right? जीतव्य जोवन धन गुमान कहां करे जलब। ये बुदबुदे की तरफ है वो आके भाग जाएगा निकल जाएगा तो उसके पर अभिमान करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्किन की बात है, स्किन के नीचे देखो सभी को ये आप जो हम जब हम वो 12 भावना की बात करेंगे असुचि भावना की बात करेंगे तो ब्लड बोन्स एंड पस से भरा हुआ ये बॉडी है तो उसके ऊपर जो चमड़ी का ढक्कन है तो उसको क्या मुझे इम्पोर्टेंस देना। करी विनय बहु गुण बड़े जन की नहीं जीत ओके करी विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदय। जो विनय करता है विनय का अर्थ क्या विनय और विवेक दो शब्द आएंगे साथ में। विवेक शब्द का अर्थ क्या और विनय शब्द का अर्थ क्या। विनय यानी नम्रता यानी कि विनय विनय ओके ओके एंड विवेक लॉजिकल यानी कि सच्चा क्या है झूठा क्या है उसका मुझे समझ आना उसका नाम विवेक। ये मेरे लिए अच्छा है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है ये अच्छा बुरे का ज्ञान होना उसका नाम विवेक। यानी कि मैं कौन हूं आत्मा हूं ये कौन है शरीर से मैं अलग हूं ऐसा मानना जानना इस तरह से मेरा जीवन बनाना उसका नाम विवेक पूर्ण जीवन। बराबर विनय में जो बड़ों हैं बड़ों का विनय करना उनका मान करना उसका नाम विनय। तो विनय विवेक शब्द आएंगे ना हमारे यहाँ पर विनय जैन भी है विवेक जैन भी है दोनों है बराबर। हाँ अच्छा ओके तो इस तरह से मार्गदर्शन की बात आती है यू नो। और आज हमने सुबह में ये भी किया था तो यू नो इफ यू आर
हाँ तो चलो ये नहीं इसे यानी कि स्क्रीन पर लेफ्ट अपर कॉर्नर ना, तो इस तरह से मार्दव धर्म की बात आती है तो हमको बस ऐसा एक ही देखो मुझे दो ही चॉइस मेरे पास है और ट्रिगर मेरे हाथ में है, क्या मुझे करना है बस मुझे वो तय कर, कौन मुझे फोर्स करता है कौन मुझे फोर्स नहीं करता है, ये क्यों ऐसा होता है, ये तेरा प्रॉब्लम। जो सच्ची सच्चे राह पर चलना है, सच्ची बात समझना है तो मुझे सच्चा क्या है वो समझना पड़ेगा पहले। जब तक मैं नहीं समझूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। मुझे आत्मा की अनुभूति करना, आत्मा क्या है। मुझे दो एक एक भाई मिले थे जिस अपस्टेट न्यूयॉर्क में रहते हैं, व्हाट व्हेनेवर आई मीट हिम वो एक ही बात बता रहे, मुझे आत्मा हाथ में दिखाओ। हमने बोला भाई तुझे आत्मा हाथ में मैं कैसे दिखाऊं कि जो देखने वाली आंख है वो पुद्गल है और जो देखने वाली आंख है जो देखती है वो पुद्गल को देखती है। आत्मा चेतन है, आत्मा पुद्गल नहीं है, आत्मा चेतन है, आत्मा अरूपी है, तो मैं तुझे कैसे दिखाऊं। और वो इंजीनियर है वो नहीं, मुझे ये फैक्ट चाहिए। तू फैक्ट घूमता खोजता रहे और ये तेरा जीवन खत्म हो जाएगी इस तरह से, नहीं ऐसा नहीं करे। मुझे भगवान ने जो रास्ता बताया है वो रास्ता क्यों सच्चा नहीं होगा। देखो ऐसे कितनी फैक्ट होती है, एक मेडिकल फैक्ट भी ऐसी होती है कि हर दफा वो कीप ऑन चेंजिंग करती है। अब 30 साल पहले जो दवाई मैं एक पेशेंट को देता तो मुझे वो फेल एग्जाम में कर देते, और आज वो दवाई मैंने पेशेंट को नहीं दिया तो आज मुझे हॉस्पिटल से निकाल देंगे। तो 30 साल में इतना फर्क हो गया, तो मेडिकल साइंस में फैक्ट कहां रहा। और जो महावीर ने 2500 साल पहले बोला और 10,000 मील की दूरी पर जो बोला था, इतना आपको कसम से मैं कहता हूं मेरी लाइफ में इतनी दफा ऐसा हुआ है कि ये भगवान ने मेरे लिए ही लिखा है, मैं जान के कि मुझे ये जरूर पड़ेगी। वो इतना सत्य है जो 25 साल से ऐसा ही सत्य रहा है। तो यू वो हमको उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। सभी बोलो कोई दो सूर्य है, दो चंद्र है, पृथ्वी गोल नहीं, वो अप्रयोजन भूत बात में बैठने की जरूरत नहीं है। मेरी सच्ची बात क्या है, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, वो महावीर ने बताया है, वो मैं कैसे करूं, वो जाऊं मेरे आत्मा की अनुभूति करूं तो मुझे निगोद में नहीं जाना पड़ेगा, नरक में नहीं जाना पड़ेगा, स्वर्ग में प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाऊंगा तो अल्टीमेटली महावीर के साथ सिद्धि शिला पर उनके साथ बैठने वाला हूं। ऐसा कॉन्फिडेंस हमको रखने का है। जब यहाँ पर हम सब आए तो हमने क्या बोला था कि भी मालूम नहीं अमेरिका में क्या होने वाला है, मगर एक कॉन्फिडेंस था कि मेरा भविष्य अच्छा होने वाला है। ये एक विश्वास लेके हम आए थे, तो ये अभी ये विश्वास को अभी नई डायरेक्शन देने का है कि महावीर ने जो रास्ता बताया है वो रास्ते पर मैं चलने वाला हूं, क्यों नहीं चलूंगा। हम सब ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, इतना ही करने का। एनी क्वेश्चंस और डिलीवर क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन। और ये पूछने जा रहा था कि इफ यू वी वांट टू चेंज समथिंग फॉर टुमारो, कि 10 धर्म की बात करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, भजन भी गा सकते हैं, व्हाटएवर वी वांट टू डू इट्स देयर इज नो रूल कि यही करना है धर्म की बात करनी है। तो एनीबॉडी हैज एनी सजेशंस एनीथिंग दैट्स गुड। धर्म दस नहीं है लेकिन धर्म दस 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 धर्म के नाम यहाँ लिए जाते हैं। धर्म तो कितने भी जितने आत्मा के गुण उतने धर्म।
अनंत, अनंत धर्मात्मक आत्मा है, अनंत धर्मात्मक का एकत्व रूप आत्मा है, ऐसा शब्द आएगा शास्त्र में, अनंत धर्म में, मगर उसको एक रूप से जो जुड़ा, जो जिसने जुड़ा है वो शुद्ध आत्मा की बात यहाँ पर आती है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत होंठो, ये दिवाणी आरती जो चले जितने, जो तेरो सरनो मनी सो आवे सूझी। नौ बार नौ का मतलब पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, परसों की तू क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, परसों की तू क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी मल मल के तूने अपनी तन को है जो निखारा, इतरों की खुशबुओं से महका शरीर सारा, आयान साथ देगी यह बात ना भुलाना, जैन फिलॉसफी पूरी आ जाती है। धर्म से रिलेटेड ही लग रहा मुझे थोड़ा सा कि कल तो बीत चुका, उसका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसको तो भूल ही जाना है, और जो आज जो कर रहे हो वो आपका कल बनाएगा, क्योंकि आपके जो कर्म बन रहे हैं वो कल उदय में आएंगे, उसकी फिक्र आज कर लो तो कल तो अपने आप सुधर गया। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।